नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटेन टुडे। मैं हूं राकेश, स्वागत है आपका पांच जिले पचास खबर में। निकाय चुनाव में मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर नाकाबंदी बढ़ा दी गई है। एसआई स्तर के अधिकारी के साथ तीन से चार पुलिसकर्मियों का जाब्ता नाकों पर तैनात किया गया है, जो 24 घंटे अलर्ट रहेगा। इसके अलावा इलाके में पुलिस की फ्लाइंग टीम भी 24 घंटे गश्त करेगी। हाईवे से सटे थानों को इसका जिम्मा सौंपा गया है। वाहनों का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पुलिस के इस जांच अभियान से चुनाव में अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। कोटा में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। ट्रेन के टॉयलेट में रखे डस्टबिन में मानव भ्रूण मिला। जीआरपी ने भ्रूण की जेकर वन अस्पताल में जांच करवाई, जो लड़की का भ्रूण निकला और करीब पांच माह का था, जिसे मोर्चरी में रखवाया गया। यह मानव भ्रूण किसने डाला, इसके बारे में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मानव भ्रूण का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। रामगंज मंडी में एक होटल व्यापारी ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। होटल को नगर पालिका के पूर्व युवा पंकज मंगल ने बंद करवा दिया था। होटल बंद होने के बाद से व्यापारी तनाव में था। हाल ही में उसकी होटल को प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर भी बना दिया था। मृतक अशोक कुमार जैन होटल शांति पैलेस का मालिक था, जिसने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पीसीसी महासचिव पंकज मेहता ने दोनों निगमों पर कांग्रेस का बोर्ड बनने का दावा किया है। मेहता का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कोटा उत्तर के वार्ड 45 की कांग्रेस प्रत्याशी हीना बानू ने पुरानी रेलवे कॉलोनी व उड़िया बस्ती में जनसंपर्क किया और लोगों से वोट देने की अपील की। कोटा उत्तर नगर निगम वार्ड 25 से कांग्रेस प्रत्याशी फैजल बेग ने समर्थकों के साथ वार्ड में जनसंपर्क किया। वहां उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रातावरोड़ा नहर के निकट देर रात एक अनियंत्रित ट्रेलर मकान में घुस गया। इस दौरान अंदर सो रहा दंपति मलबे में दब गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति रामधन गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेलर की टक्कर से पूरा मकान धराशायी हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य में जुट गई। यह दंपति सड़क किनारे चाय की दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करते थे। घटना के वक्त परिवार के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे। हादसे की सूचना पाकर एसपी शिवराज मीणा, एसडीएम पूजा सक्सेना, नायब तहसीलदार प्रीतम मीणा ने अस्पताल पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। सदर थाना पुलिस ने मौके से ट्रेलर को जब्त कर लिया है तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुनैर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4.5 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। नाकाबंदी के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सुनैर पीड़ावा मार्ग पर बोरखेड़ी तिराए के पास नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान बाइक सवार की तलाशी लेने पर गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने पीड़ावा निवासी तस्कर सद्दाम खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की बाइक भी जब्त कर ली गई है। कोरोना को लेकर राहत की खबर है। नए अस्पताल में इन दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 180 रोगी ही शेष बचे हैं। पिछले एक पखवाड़े से अस्पताल में 70 से 80 के करीब संक्रमित आए हैं। इससे पहले अस्पताल कोरोना पॉजिटिव मरीजों से भर गया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। 700 बेड के अस्पताल में मात्र 80 रोगी भर्ती हैं, वहीं 250 बेड एसएसबी ब्लॉक में 100 संक्रमित भर्ती हैं। अस्पताल में भर्ती 80 मरीजों को भी एसएसबी में शिफ्ट कर दे तो एक भवन पूरा खाली हो जाएगा, जिससे मौसमी बीमारियों में भी राहत मिलेगी। नए कोटा के लोगों को इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल की ओर रुख करना पड़ता है, जिससे रोगियों को छुटकारा मिल जाएगा। झालावाड़ में एक हाथी मदमस्त हो गया, जिसको काबू करने के लिए कोटा और जयपुर के डॉक्टरों को 24 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भीलवाड़ी गांव में महावत हाथी को लेकर आया था, जहां हाथी पर मस्ती छाने लगी। वह मद में आकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। मावत ने सूझबूझ का परिचय दिया और हाथी को गांव के बाहर खेत में ले जाकर उसे रस्सियों से बांध दिया। सीनियर वेटरनरी डॉक्टर विलास राव के देखरेख में हाथी को ट्रैंकुलाइज कर हाथी पर काबू पाया जा सका।
24 घंटे के बाद उसकी जांच की गई और क्रेन की मदद से उठाया गया। हाथी अब पूरी तरह सामान्य है। कोटा में भी पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। डीआईजी रवि दत्त गोड सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ में श्रीजी महमी स्टेडियम में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया और शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस के जवानों ने वीर शहीदों को सलामी दी। इसके बाद एसपी किरण कंग सिद्धू ने जवानों को संबोधित किया। कोरोना का असर इस बार दशहरा पर भी पड़ा है। कोरोना के आगे विशाल का रावण व उसका कुर्बा बोना हो गया है। रावण परिवार के पुतलों की ऊंचाई भी 14 से 18 फीट की रहेगी। हर वर्ष रावण के पुतलों की ऊंचाई 100 फीट रहा करती थी। हर वर्ष पुतलों के निर्माण पर 7 से 8 लाख रुपए खर्च हुआ करते थे, वहीं इस बार 60,000 रुपए खर्च होंगे। ऊंचाई कम होने से पुतले सामान्य रहेंगे। तलवार चलाने, आंख झपकाने और अट्ठास करने जैसी गतिविधि नहीं करेगा। किशनगंज में खुलेआम हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने रैली निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने तहसीलदार को खनन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बारह में त्योहार पर कोविड-19 के मद्देनजर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी डॉक्टर रवि सबरवाल अधिकारियों की बैठक ली। एसपी सबरवाल ने 31 अक्टूबर तक धार्मिक आयोजन, जुलूस, सभा आदि अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए हैं। बाजारों में खरीदारी, धार्मिक स्थलों पर पूजा के दौरान सामाजिक दूरी व मास्क लगाने की पालना करना जरूरी होगा। तो 5 जिले 50 खबर में फिलहाल इतना ही। एसटीएन टुडे टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।